press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम अंकुर है और मैं आपका एक बार पुनः अपने चैनल स्टडी आइडिया में स्वागत करता हूं। अभी हम लोगों ने रीजनिंग के आंसर शीट देखी है, उसमें क्वेश्चन जो यूपी पुलिस के 2027 में पूछे गए हैं, 27 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसका मॉर्निंग शिफ्ट का, उसकी रीजनिंग के क्वेश्चन के आंसर जो हमने पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अब मैं आपके सामने मैथ के क्वेश्चन के आंसर लेकर आया हूँ, तो चलिए देख लेते हैं मैथ के क्वेश्चन के आंसर क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे पहला है 39 नंबर है, तो उस 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर पहला है 57.52। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर पहला था। क्वेश्चन नंबर 40 जो है बच्चों, इसमें पूछा गया था कि एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया और उसका बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्त द्वारा विभाजित किया गया है, फिर स्वयं से विभाजित किया गया तो परिणाम ज्ञात करिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 निकल कर आएगा। क्वेश्चन नंबर 41 जो है, उसमें तृतीया अनुपात पूछा गया था और उसके बाद एक्स क्यूब की वैल्यू पूछी गई थी, तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 था 2197। क्वेश्चन नंबर 42 था, 40 के वर्ग को 40% का चौथाई भाग ज्ञात करने के लिए बोला गया था क्वेश्चन नंबर 42 में, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 160 है। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं, यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाए तो लाभ ज्ञात करिए, क्वेश्चन नंबर 43 भी पूछा गया, तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 है 100%। क्वेश्चन नंबर 44 पर आ जाते हैं, एक्स 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है, वो मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च करता है और स्कूटर के 54,000 रुपये में बेचता है, उसका लाभ क्या है ये बताना है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 12.5% है। क्वेश्चन नंबर 45 था, 110 लागत वाली एक वस्तु को 104.5 में बेची गई है, कितनी छूट की पेशकश की गई है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 है 5%। चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो कुछ ये है, क्वेश्चन नंबर 46वां था कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 और 3 वर्षों में 1680 हो गई है, ब्याज दर ज्ञात करिए, क्वेश्चन नंबर 46 है और इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 5% है। क्वेश्चन नंबर 47 था, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपये की राशि को 1 वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ाकर कितनी की जाएगी, बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 था। बच्चों क्वेश्चन नंबर 48 जो है उसमें हिंदी वर्जन में कुछ अलग लिखा हुआ है, अंग्रेजी में कुछ अलग लिखा हुआ है, हिंदी वाला जो है वो थोड़ा सा सही नहीं है, इंग्लिश वाला सही है, और इस 48 वाले क्वेश्चन के इंग्लिश वाले पोर्शन को देखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर जो बनता है वो ऑप्शन नंबर 4 बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं, एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए हैं, इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 जो है बढ़ गया है, कक्षा में छात्रों की संख्या बतानी थी, क्वेश्चन नंबर 49 है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है 40। क्वेश्चन नंबर 50 जो था बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 था 5। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी तय करने के लिए उसकी गति क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है 600 किलोमीटर प्रति घंटे। चलिए बढ़ते हैं और क्वेश्चन 52, 53, 54, 55 और 56 के आंसर और 57 के आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, उसका आंसर कुछ जो है क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 52, यदि एक बस किसी भी स्थान पर न रुके तो वो 1 घंटे में 45 किलोमीटर दूरी करता है, और यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो वो 1 घंटे में 36 किलोमीटर तय करती है, 1 घंटे में बस कितने मिनट चलेगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है 12। क्वेश्चन नंबर 53 है, इसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:6 है, जिसका क्षेत्रफल 6,650 सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर है, तो आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात याद करना है, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 1:90 है। क्वेश्चन नंबर 54 और 55 सेम एक ही प्रकार के क्वेश्चन थे और बहुत ही कठिन क्वेश्चन 54 और 55 है, आप लोग शायद ही कर पाए हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 4 है और क्वेश्चन नंबर 55 जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 8 है। क्वेश्चन नंबर 56 जो है, 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके उस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम बताना है कितना होगा, तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 81 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 जो है, किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 4 गुना। तो बच्चों ये थे मैथ के क्वेश्चंस के आंसर, बाकी जो चीज़ें के आंसर है वो भी आपको धीमे से अभी मिल जाएंगे,
इस समय सेकेंड शिफ्ट का पेपर स्टार्ट हो गया होगा, तो उसके आंसर भी आपको जैसे पेपर समाप्त होता है उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ इन क्वेश्चंस के सोल्यूशन जो है वो आपको लाइव क्लास में दिए जाएंगे। लाइव क्लास के लिए देखने के लिए आप सभी लोग जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक के लिए धन्यवाद।